देखो जब भी हम वीडियो एडिटिंग वाले लैपटॉप की बात करते हैं ना, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हमने ध्यान रखना है लैपटॉप को बाय करने से पहले। सबसे पहली चीज है उसकी डिस्प्ले। डिस्प्ले बढ़िया होनी चाहिए, IPS पैनल वाली डिस्प्ले होनी चाहिए। अगर हम TN पैनल वाली डिस्प्ले बाय कर रहे हैं ना, तो अपने को कलर्स की एक्यूरेसी का भी पता नहीं चलेगा, वो चीज बिल्कुल बाय नहीं करनी। और एक और चीज है, देखो हर एक बजट के अंदर आपको IPS डिस्प्ले नहीं मिलने वाली। अगर आपका बजट कम है फिर आप IPS को छोड़ के IPS लेवल डिस्प्ले बाय कर सकते हो, उस पे भी आपका काम चल जाएगा। और एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि आपने TN पैनल या फिर IPS लेवल वाली डिस्प्ले बाय कर भी ली, फिर उसका भी एक सोल्यूशन है कि आप एक्सटर्नल मॉनिटर को यूज कर सकते हो अपने लैपटॉप के साथ में। IPS डिस्प्ले वाला मॉनिटर बाय कर लेंगे 100% sRGB के साथ, फिर अपना काम चल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है उसकी रैम। रैम देखो 16GB के बिना एडिटिंग का सोचना भी मत। अगर आप लैपटॉप बाय कर रहे हो ना 8GB वाला, तो उसी के साथ ही रैम ऑर्डर कर लेना। रैम को एक्सपेंड करके 16GB कर लेना, या फिर मेरी मानो आप लैपटॉप ही वो बाय करो जिसके अंदर हमें पहले से 16GB की रैम मिल रही है। और मैंने इस वीडियो के अंदर एक चीज किया कि 40,000 से लेके 1,00,000 तक के जितने भी सबसे बेस्ट लैपटॉप्स हैं वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। आप सभी लैपटॉप्स के ऊपर Adobe के सारे टूल्स चला सकते हो, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, ये सब तो इजीली चल जाएगा। उसके बाद अगर आपने फिल्मोरा चलाना है, ब्लेंडर यूज करना चाहते हो, फाउंड्री न्यूक, ऑटोडेस्क 3D मैक्स जो कि 3D मॉडलिंग वाला सॉफ्टवेयर है, उसके बाद ऑटोडेस्क माया जिसे हम एनिमेशन के लिए यूज करते हैं, ब्लेंडर को भी मॉडलिंग या फिर एनिमेशन के लिए यूज करते हैं हम, ये जो सारे लीडिंग टूल्स है ना, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन से लैपटॉप के ऊपर आपका कौन सा टूल इजीली चल जाएगा। तो आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक देखना, आपको पता चल जाएगा जिसे मैं हैवी एडिटिंग के लिए यूज कर सकता हूं और कौन सा ऐसा लैपटॉप है जो कि मेरे बजट के अंदर लाइट एडिटिंग के लिए ठीक रहेगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बजट से जो कि है 40,000 से 50,000 वाले लैपटॉप्स का, Asus VivoBook 15 लैपटॉप। ये लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट है इस बजट के अंदर, ऑलराउंडर लैपटॉप है ये। इसके ऊपर अपने 1080p एडिटिंग हो जाएगी। सॉफ्टवेयर जो हम चला सकते हैं वो है फिल्मोरा एंड प्रीमियर प्रो। 39,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। एंड इसके अंदर हमें जो एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं ना बढ़िया वाले, वो है प्राइवेसी शटर कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, 180° की हिंज एंड मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, यानी कि कमाल के फीचर्स हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाते हैं। अमेजोन चॉइस का लैपटॉप है, i3 का प्रोसेसर दिया गया 1220p। देखो एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि अगर आपने लैपटॉप बाय करना है ना, उसके प्रोसेसर की सीरीज जरूर ध्यान से चेक करनी है। हमने यू सीरीज वाला कोई भी लैपटॉप नहीं लेना, ना ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। यू सीरीज वाले लैपटॉप के ऊपर आपकी एडिटिंग नहीं हो पाएगी। पी या फिर एच सीरीज वाला लैपटॉप लेना है, जैसे मैं आपको पी सीरीज वाला बता रहा हूँ। इसके अंदर हमें 10 कोर 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं, 8GB की रैम है जो कि एक्सपेंडेबल है 24GB तक। एंड जैसा कि हमें 16GB की रैम चाहिए एडिटिंग के लिए, तो 8GB रैम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। साथ में 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 inches की फुल एचडी एंटी ग्लेयर IPS लेवल डिस्प्ले मिल जाती है। 200 Hz की ब्राइटनेस एंड 60 Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है 45% NTSC के साथ में। इंटेल के USD ग्राफिक्स MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा हमें। 42 Wh की बैटरी के साथ ही 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप दिया गया। 3 USB टाइप है, 1 USB टाइप सी, HDMI 3.5mm जैक, बिल्ट इन अलेक्सा की सपोर्ट मिल जाती है, टॉपरेट विद द वॉइस कमांड एंड उसके बाद प्राइवेसी शटर कैमरा। ये सारे फीचर्स हमें अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाएंगे। देखो अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है ना, तभी इस लैपटॉप को बाय करना, नहीं तो आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप बाय करना चाहिए। एडिटिंग के लिए ग्राफिक कार्ड होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा पुश कर सकते हो ना, तो ये लैपटॉप अपने लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा, MSI GF63। इसके ऊपर अपनी 4K एडिटिंग हो जाएगी, लेकिन कम लेयर्स वाली। एक दो लेयर्स अगर आपने व्लॉग्स एडिट करनी है ना, थोड़े बहुत हैवी इफेक्ट्स नहीं लगाने, वो चीज इसके ऊपर हो जाएगी। प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, ये सब कुछ चल जाएगा। इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 43,000 रुपीज। i5 का 11th जनरेशन प्रोसेसर दिया गया, 11260H, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला। लैपटॉप में 8GB की रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल 64GB तक है। देखो इस लैपटॉप के साथ भी जो रैम अपनी कंपेटेबल है ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.7 inches की डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले है। 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। NVIDIA GeForce GTX 1650 डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा 4GB का। देखो सबसे बेसिक ग्राफिक कार्ड है ये वाला, क्योंकि हमें 40,000 के अंदर ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। अपने पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है इस बजट के अंदर जिसके अंदर हमें ग्राफिक कार्ड मिल रहा हो। बट 40,000 के अंदर हमें ज्यादातर जो ऑप्शंस मिल जाते हैं वो एक्चुअली थिन एंड लाइट सीरीज वाले होते हैं। गेमिंग लैपटॉप तो मिलता ही नहीं है जिसके अंदर हमें ग्राफिक कार्ड दिया गया हो। एडिटिंग हैवी लेवल की करना चाहते हो तो ये लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसके बिल्ड क्वालिटी के साथ ही ना थर्मल्स भी काफी बढ़िया है इसके। 52.4 Wh की बैटरी के साथ ही 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप दिया गया। इसके अंदर हमें जो पोर्ट्स मिल जाती है वो है 3 USB टाइप ए, 1 USB टाइप सी, HDMI 3.5mm कॉम्बो, बैकलिट कीबोर्ड एंड साथ में 2 साल की वारंटी मिल जाती है। अच्छा लैपटॉप है, अगर आपका बजट 43-42,000 के आसपास है ना, ये लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इज Asus Tough Gaming F15 लैपटॉप। देखो 4K लाइट एडिटिंग आप इसके ऊपर इजीली कर सकते हो। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है, थर्मल्स भी काफी बढ़िया है एंड वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप में से कह सकता हूँ। सबसे ज्यादा सेल होता है इस बजट के अंदर ये। देखो इस बजट के अंदर हमें जो बाकी सभी लैपटॉप मिल जाते हैं ना, एक तो उसके कंपैरिजन में इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो सबसे अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर हमें मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दे रखी है। उसको भी समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एंड लैपटॉप के अंदर हमें 16GB की रैम मिल जाती है, प्राइस सिर्फ 53,000 रुपीज इसका। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, दैट इज सर्टिफाइड। कंपनी ने ऑलरेडी अपनी तरफ से बहुत ही ज्यादा टेस्टिंग करने के बाद ये सर्टिफिकेशन लैपटॉप को दी है। जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं ड्रॉप टेस्ट, हिंजेस के
टेस्ट हो जाते हैं, हीटिंग का कोई इश्यू ना मिले हम इसके अंदर वो वाले टेस्ट हो जाते हैं, और उसके बाद ही कोल्ड टेस्ट, ये सारे टेस्ट हो जाते हैं लैपटॉप के ऊपर। फिर एक लैपटॉप को ये वाली सर्टिफिकेशन मिलती है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो नॉर्मल लैपटॉप के कंपैरिजन में काफी बढ़िया मिल जाती है। i5 का 11400H प्रोसेसर दिया गया, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला H सीरीज का प्रोसेसर है, काम इजीली हो जाएगा अपना। 16GB की रैम है एक्सपेंडेबल, 32GB तक 512GB की SSD विच इज आल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD IPS लेवल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया अडैप्टर सिंक के साथ। 70W TGP वाला NVIDIA GeForce RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया लैपटॉप में, 4GB का विद डायनेमिक बूस्ट, बढ़िया से एडिटिंग आप इसके ऊपर कर लोगे। 48W की बैटरी के साथ ही 150W का अडैप्टर दिया गया, एंड इसके अंदर हमें जो पोर्ट्स मिल जाती है वो मिल जाती है थंडरबोल्ट 4 पोर्ट दे रखी है, HDMI 2.0, 3.5mm जैक, 3 USB 3.0 Gen 1 Type A, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। सिंगल जोन RGB कीबोर्ड दिया गया लैपटॉप में, बढ़िया लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। अगला लैपटॉप है एसर का एस्पायर 7 लैपटॉप, 60,000 के बजट के अंदर ना सिर्फ ये इकलौता ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर हमें 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, जो कि अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी ग्राफिक कार्ड देखे ना उन सब के कंपैरिजन में सबसे तगड़ा ग्राफिक कार्ड है। TGP 60W है, बट काफी तगड़े लेवल का ग्राफिक कार्ड दिया गया। 4K लाइट एडिटिंग अपनी इसके ऊपर हो जाएगी, मल्टी लेयर कर सकते हो, बट बहुत ही ज्यादा हैवी प्रोजेक्ट नहीं निकालेगा ये। लैपटॉप का जो प्राइस है वो है 59,000 रुपीज, एंड इसके अंदर हमें बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया। i5 का 12th जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 12450H है, 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला, 16GB की रैम है जो कि एक्सपेंडेबल, 32GB तक, 512GB की जेन 4 SSD मिल जाती है विच इज आल्सो एक्सपेंडेबल। देखो जेन 4 SSD ना लेटेस्ट है, इसकी जो रीडर नाइट की स्पीड है वो ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू जेन 3 SSD, तो ये चीज काफी बड़ी है। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया। ग्राफिक कार्ड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि RTX 3050 मिल जाता है, जो कि इस पीरियड का सबसे बढ़िया ग्राफिक कार्ड है। अब देखो यही ग्राफिक कार्ड ना हमें पहले 70,000 के लैपटॉप के अंदर मिलता था, अब प्राइस कम हो चुके हैं, दैट्स व्हाई हमें लैपटॉप अंडर 60,000 के बजट के अंदर मिल रहा है। 50W की बैटरी के साथ ही 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, RJ45, HDMI, USB Type A 3.2, दो पोर्ट्स मिल जाती हैं, साथ में थंडरबोल्ट 4 पोर्ट दे रखी है, बढ़िया लैपटॉप, आप इसे जरूर कंसीडर करो। अब बात करते हैं 60,000 से लेकर 70,000 के बजट के अंदर मिलने वाले लैपटॉप्स की। ASUS का टफ गेमिंग F15 इस बजट के अंदर बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया, बट फर्स्ट ये चीज देखते हैं हम, ब्लेंडर, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स एंड डाविंची, ये सारे सॉफ्टवेयर इस लैपटॉप के ऊपर इजीली हो जाते हैं। 3-4 लेयर्स तक की अगर आपने एडिटिंग करनी है 4K वाली ना, रेंडरिंग के अंदर बहुत ही बढ़िया आउटपुट निकाल देता है लैपटॉप, परफेक्ट लैपटॉप है अगर आपने 60 से 70,000 के बजट के अंदर वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप बाय करना है। प्राइस रहेगा 68,000 रुपीज, RGB कीबोर्ड मिल जाता है, i5 का 11th जनरेशन प्रोसेसर दिया गया, 11800H, 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला, 16GB की रैम है जो कि एक्सपेंडेबल है, 32GB तक, 512GB की SSD विच इज आल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, IPS लेवल डिस्प्ले है, 144Hz का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस, RTX 3050 Ti ग्राफिक कार्ड दिया गया, जो कि पिछले वाले से ज्यादा तगड़ा ग्राफिक कार्ड है। 75W TGP के साथ ही डायनेमिक बूस्ट, बढ़िया ग्राफिक कार्ड है। 90W की बैटरी के साथ ही 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अब देखो यहां पे एक चीज समझने वाली है कि इस पीरियड के अंदर हमें RTX 3050 एंड RTX 3050 Ti यही दोनों ग्राफिक कार्ड मिलते हैं, और अगर तो आपने सिर्फ और सिर्फ गेमिंग परफॉर्मेंस देखनी है ना, तो जो 3050 Ti है ना उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया निकल के आ जाती है। RTX 3050 को कंपेयर करें ना एडिटिंग के टाइम पे दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर सी परफॉर्मेंस है, उसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं मिलती। सो आई वुड सजेस्ट कि आपको RTX 3050 Ti वाला ग्राफिक कार्ड बाय करना चाहिए, अगर कभी कभी गेम्स भी खेलनी है तो उसकी भी परफॉर्मेंस हमें बढ़िया मिल जाएगी। 3 USB 3.2 Gen 1 Type A, एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाती है जो कि डिस्प्ले पोर्ट को भी सपोर्ट करती है, HDMI 2.0, ईथरनेट, 3.5mm जैक, ये सारी हमें इसके अंदर पोर्ट्स मिल जाती है लैपटॉप में, बढ़िया लैपटॉप है, गो फॉर इट। अब चेक करते हैं 70,000 से 80,000 वाले लैपटॉप्स को, Acer Nitro V गेमिंग लैपटॉप। देखो ये लैपटॉप ना टोटली परफेक्ट लैपटॉप है, 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाएगा, एच सीरीज का, एंड साथ में RTX 4050 ग्राफिक कार्ड दिया गया। लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है, 6GB VRAM के साथ आता है, एडिटिंग कर लो चाहे रेंडरिंग कर लो सब कुछ ये लैपटॉप आपका करवा देगा। 4K मल्टी लेयर प्रोजेक्ट्स इजीली हैंडल कर लेता है लैपटॉप, ब्लेंडर, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, डाविंची, ये सारे सॉफ्टवेयर चल जाते हैं। प्राइस 79,000 के करीब है इसका, बैकलाइट कीबोर्ड के साथ ही i5 का 13420H प्रोसेसर दिया गया, 13 जनरेशन का, 8 कोर 12 थ्रेड्स, 16GB की रैम है, DDR5 रैम है, लेटेस्ट वाली एक्सपेंडेबल, 32GB तक है, 512GB की जेन 4 SSD विच इज आल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले, 144Hz का रिफ्रेश रेट है, 99% sRGB के साथ ही 3 मिलीसेकंड इसका रिस्पांस टाइम है। NVIDIA GeForce RTX 4050 ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा लैपटॉप में, 6GB का डेडिकेटेड, एंड इसकी जो TGP है वो अराउंड 75W है, वो हमें 75W मिल जाती है, तो बढ़िया ग्राफिक कार्ड दिया गया इस लैपटॉप के अंदर, अपनी जैसी मर्जी परफॉर्मेंस ये लैपटॉप अपना हैंडल कर लेगा। 57W की बैटरी के साथ ही इसके अंदर हमें 3 USB Type A, एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट
पोर्ट मिल जाती है HDMI, ईथरनेट एंड साथ में 3.5mm जैक। ये सारी पोर्ट हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। अच्छा लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसिडर करो। नेक्स्ट इज Lenovo LOQ 4K मल्टीलेयर। अगर आपने एडिटिंग करनी है ना, ब्लेंडर, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स एंड डाविंची, ये सब कुछ इस लैपटॉप के ऊपर इजीली हो जाएगा। इस लैपटॉप का जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 84,000 रुपीस। पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ ही व्हाइट बैकलिट कीबोर्ड दिया गया, ई कैमरा शटर दिया गया लैपटॉप में। 3 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ में गेमिंग पास मिल जाएगा। i5 का 12 450H प्रोसेसर दिया गया, 8 Core 12 Threads वाला, 16 GB की रैम है, 4800 MHz वाली DDR5 एक्सपेंडेबल 32 GB तक, 512 GB की Gen 3 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 inches की डिस्प्ले मिल जाती है फुल HD IPS पैनल के साथ, 144Hz का रिफ्रेश रेट है, 350 nits की ब्राइटनेस। अब ये चीज यहाँ पे समझने वाली है, देखो इसके अंदर भी हमें RTX 4050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, लेकिन ये जो ग्राफिक कार्ड है ना, इसके अंदर हमें 95W TGB मिल जाती है, जो कि पिछले वाले से ज्यादा है। तो ऑब्वियसली इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो हमें उसके कंपैरिजन में ज्यादा बढ़िया मिल जाएगी पिछले वाले लैपटॉप से। एंड एक और बढ़िया चीज है, MS ऑफिस हमें 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया लैपटॉप में, 60W की बैटरी के साथ ही। लैपटॉप अपना रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, 100% बैटरी सिर्फ 80 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है, तो ये चीज काफी बढ़िया लगी मुझे। 3.5mm कॉम्बो, एक USB टाइप सी, 2 USB 3.2 Gen 2 टाइप ए, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। उसके अलावा ईथरनेट, HDMI 2.1 एंड साथ में USB टाइप सी, मतलब पोर्ट्स इस लैपटॉप के अंदर हमें भर भर के दे रखी हैं। अच्छा लैपटॉप है, जरूर कंसीडर करो। नेक्स्ट इज Asus Tough Gaming F15 लैपटॉप। ये लैपटॉप अंडर 1 लाख के बजट के अंदर सबसे बढ़िया लैपटॉप रहेगा। आप इसके ऊपर हर तरह का सॉफ्टवेयर चला सकते हो, फाउंड्री न्यूक हो गया, ऑटोडेस्क माया हो गया, ब्लेंडर, मॉडलिंग, एनिमेशन, जो मर्जी कर लो इसके ऊपर, ऑटोडेस्क 3D मैक्स भी चल जाएगा। 1 लाख रुपए इसका एक्जैक्टली करंट प्राइस है। एंड इसकी जो डिस्प्ले है ना, वो हमें 100% sRGB के साथ मिल जाती है, मतलब कि इतनी बढ़िया डिस्प्ले इस लैपटॉप की, हमें एक्सटर्नल मॉनिटर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फुल HD डिस्प्ले है, 15.6 inches की IPS लेवल एंटी ग्लेयर, 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया। इसका GPU देखे ना, RTX 4060 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 8 GB का, 140W TGB के साथ में मक्स स्विच दिया गया। मतलब कि सिंपल चीज है कि अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप देखे हैं ना, उन सब के कंपैरिजन में सबसे तगड़ा ग्राफिक कार्ड हमें इस लैपटॉप के अंदर दिया गया। जो मर्जी कर लो आप इसके ऊपर, ये लैपटॉप आपका बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा आपको परफॉर्मेंस के सिनेरियो में। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, तो ऑब्वियसली इसकी बिल्ड क्वालिटी भी सर्टिफाइड है। i7 का 12th जनरेशन प्रोसेसर है, 12700H, 14 Core 20 Threads वाला, 16 GB की रैम एक्सपेंडेबल, 32 GB तक, 512 GB के SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 90W की बैटरी के साथ ही 240W का अडैप्टर दिया गया। फ्रॉम 0 to 50% इसकी जो बैटरी है वो 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड मिल जाएगा, HDMI 2.1 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है, एक USB 3.2 Gen 2 टाइप सी, 2 USB टाइप ए एंड साथ में 3.5mm। ये सारी पोर्ट्स हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। देखो ये लैपटॉप ना एकदम ही परफेक्ट लैपटॉप है, चाहे बिल्ड क्वालिटी की बात करें, थर्मल्स की बात करें, हर एक एंगल से ये लैपटॉप अपना परफेक्ट निकल के आ जाता है। देखो अगर आपका बजट 1 लाख रुपए है ना, तो ये लैपटॉप आप सबके लिए हाईली रिकमेंडेड है, बिल्कुल आंखें बंद करके आप इसे बाय कर सकते हो। सभी के बेस्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, पीस आउट।